चलिए आज के क्लास में हम लोग जो है आज के वीडियो वाले क्लास में जो है जैसे मान लीजिए जिस स्टूडेंट का जो है एग्जाम नजदीक है, इंटर का एग्जाम नजदीक है, मान लीजिए बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है तो उनका एग्जाम जो है 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। और अगर वो चाह रहे कि मान लीजिए उनको डर लग रहा है फिजिक्स में कि फिजिक्स में नंबर उनका आएगा सही से नहीं आएगा या फेल होंगे, फिजिक्स देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को चाहे बायोलॉजी के हो या मैथ के हो उनको भारी लगता है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स में यदि हम लोग ये जो आपका नियम है, हम लोग जो 12th फिजिक्स में जो भी आपका नियम पढ़ना है अगर उस लॉ को नियम को यदि हम लोग अच्छे से समझ ले तो हम लोग को फिजिक्स में आराम से अच्छा नंबर आ सकता है, उसमें कहीं भी कोई तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल सा हम लोग जो है कम से कम पास तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो पूरा जो फिजिक्स है 12th का पढ़े या 11th का पढ़े, पूरा फिजिक्स जो है वो लॉ पे ही काम करता है, वो नियम पे ही काम करता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी, चांद, तारा जितना भी है वो सब जो है एक नियम से ही बंधे हुए हैं। सभी जो है एक नियम से ही बंधे हुए हैं। सारा सिस्टम जो है एक लॉ पे ही काम करता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल लॉ हो या और भी कोई सा लॉ हो। तो यदि जिन स्टूडेंट को वैसे स्टूडेंट जिनको जो है 12th फिजिक्स में जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में या और किसी भी बोर्ड के एग्जाम में यदि उनको डर लग रहा है कि उनका एग्जाम में क्या होगा फिजिक्स में, तो सिंपल सा एक चीज पहले निश्चिंत कर लीजिए कि यदि आप फिजिक्स के लॉ को, ज्यादा लॉ नहीं है 12th फिजिक्स में जो आपका 15 से 16 लॉ है, अगर उस लॉ को हम लोग अच्छे से समझ ले तो हम लोगों का बोर्ड एग्जाम में जो है चाहे बिहार बोर्ड रहे या CBSE बोर्ड रहे, कोई भी बोर्ड रहे, यदि हम लोग जो है 12th फिजिक्स के जो भी लॉ है, जो भी नियम है, उस नियम को यदि अच्छे से समझ ले हम लोग, उस नियम को अच्छे से समझ ले तो हम लोग अच्छा से एग्जाम में अच्छे से लिख करके आ सकते हैं और हम लोगों का अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। और ये लॉ कुछ भी नहीं, लॉ बिल्कुल कहानी के तरह ही है। अगर इस लॉ को हम लोग प्रत्येक लॉ को यदि सिर्फ समझ ले तो हम लोग का जो जितना भी क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में वो इस लॉ पे कहीं ना कहीं इस लॉ से ही जुड़ा हुआ है। तो आपका जैसे अगर हम लोग जो है 12th फिजिक्स यदि फर्स्ट चैप्टर देखे तो उसमें आपका दो लॉ है, एक कूलम्स लॉ है, फिर गॉस थ्योरम है, ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, बायो सावर्ट्स लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, फिर आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, माइकल फेराडेस लॉ, माइकल फेराडे का नियम, लेंज्स लॉ, लेंज का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम, स्नेल्स लॉ इत्यादि और भी है, 3-4 नियम और भी है जो यदि हम लोग इन सारे नियम को यदि अच्छे से समझ ले, सिर्फ नियम को समझ ले हम लोग, ये नियम होता क्या, जैसे हम लोग 10th में पढ़े थे ओम का नियम, ओम चाचा का नियम, ओम का नियम क्या था, भी बराबर आई आर था, उसी तरह सिंपल सा सिर्फ ये नियम को यदि हम लोग समझ ले अगर 12th फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम यदि आपको देना है, और यदि 12th फिजिक्स का सिर्फ ये नियम तो मुश्किल से 15 या 16 नियम है, यदि उस नियम को हम लोग अच्छे से समझ ले तो 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में हम लोग का अच्छा नंबर आएगा और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी डर या भय नहीं रहेगा यदि सिर्फ हम लोग ये सिंपल सा ये जो है नियम को अच्छे से समझ ले। तो ये हम लोग का पहला वीडियो है, इसमें हम लोग ये देखिए इसके बाद जो वीडियो होगा आपको एक एक करके सारे नियम को हम लोग हर एक वीडियो में आपको बताया जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, आपका 4 या 5 मिनट का होगा हर एक लॉ के लिए। तो अगर आप सिर्फ जो है इस लॉ का जो है आप वीडियो देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट में आपका क्या है कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ क्या होता है, F बराबर 1/4π ε0 Q1 Q2 r2। कूलम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो दो आवेश के बीच में, दो चार्ज के बीच में कितना आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा, अगर ये हम लोग ये लॉ पढ़ लेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जितना भी लॉ है 12th फिजिक्स में जितना भी लॉ है, यदि आप चाहते हैं कि क्विक में 2 घंटा में पूरा फिजिक्स का रिविजन हो जाए मेरा, अगर आप चाहते हैं कि 12th फिजिक्स का 2 घंटा में यदि आपका रिविजन हो जाए, तो बस सिंपल सा अगर एक बार इस लॉ को आप देख लेते हैं, इस लॉ को समझ लेते हैं और प्रत्येक लॉ का 3 कारण यदि समझ लेते हैं कि ये लॉ है क्या, ये लॉ क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या प्राप्त होता है, क्या निकालते हैं हम लोग, क्या ज्ञात करते हैं, और तीसरा ये लॉ लगाते कहाँ पे है, क्या क्यों कहाँ लगाते, 3 क्वेश्चन का यदि आंसर मिल गया हर एक लॉ में आपको, तो आप सिंपल सा 2 घंटा में पूरा 12th फिजिक्स आप रिविजन कर सकते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चिंत होकर के आप एग्जाम दे सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग कहिए हम लोग इसके बाद जो वीडियो स्टार्ट करेंगे
आपको एक एक लॉ के लिए एक एक वीडियो मिलेगा। वीडियो आपका 4 से 5 मिनट का ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। आप उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो क्लास में। तो आप जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम जो वीडियो आपको भेजेंगे ये प्रत्येक लॉ का आपका एक एक करके भेजेंगे, और वो मुश्किल से 4 या 5 मिनट का ही रहेगा। तो यदि आप उसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तो ये वीडियो जैसे ही डालेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, फिर आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से आप 12th फिजिक्स का जो तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं।